बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के ही गजब की फैन फॉलोइंग है। एक तरफ धर्मेंद्र जो पिछले 60 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, तो वहीं उनके बेटे सनी देओल भी पिछले 40 सालों से फिल्मों में सक्रिय हैं। आज हम इन दोनों से जुड़ी एक ऐसी रोचक खबर लेकर आपके पास आए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 87 साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र पिछले 60 सालों से फिल्मों में सक्रिय है और इस साल भी वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रिलीज होने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे सनी देओल भी पिछले 40 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इस साल सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 भी रिलीज होने वाली है। आज हम आपको धर्मेंद्र और सनी देओल से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर सकती है। दरअसल वर्षों से फिल्मों में काम करते आ रहे इन दोनों ने अपने अपने करियर में कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, लेकिन कुछ अभिनेत्रियों ने तो बड़े पर्दे पर दोनों के साथ इश्क लड़ाई है। तो आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी अमृता सिंह का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, जो धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ पर्दे पर नजर आ चुकी है। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म सच्चाई की ताकत में काम किया, तो वहीं फिल्म बेताब में वो सनी देओल के साथ रोमांस करती नजर आई थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम डिंपल कपाड़िया का आता है, जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ बड़े पर्दे पर इश्क लड़ाया। उन्होंने फिल्म बंटवारा और शहजादा में धर्मेंद्र के साथ काम किया, तो वहीं सनी देओल के साथ फिल्म आग का गोला, गुनाह और अर्जुन जैसी फिल्मों में वो नजर आई। जया प्रदा ने भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ दो अलग अलग फिल्मों में काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म कुंदन में काम किया था, वहीं सनी देओल के साथ वो फिल्म वीरता में नजर आई थी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी श्रीदेवी भले ही इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। बता दें, श्रीदेवी भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ फिल्मों में नजर आ चुकी है। वो फिल्म नाकाबंदी में धर्मेंद्र के साथ बड़े पर्दे पर नजर आई, वहीं सनी देओल के साथ फिल्म निगाहें में नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस किमी काटकर भी सनी देओल और धर्मेंद्र के साथ अलग अलग फिल्मों में स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। उन्होंने साल 1992 में आई फिल्म हमला में धर्मेंद्र के साथ काम किया था, जबकि साल 1989 में फिल्म वर्दी में वो सनी देओल के साथ इश्क लड़ाती नजर आई थी। इस लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो का नाम भी आता है। उन्होंने साल 1988 में आई फिल्म सोने पे सुहागा में धर्मेंद्र के साथ काम किया था, वहीं सनी देओल के साथ वो फिल्म सोनी महिवाल में नजर आई थी। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।